वो जो सीओ हमको पकड़ा सर, कह रहा था रात में तो मजा जो हमको चाह रहा था वो नहीं मिला, इसलिए हम दिन में आए हैं। बताइए ये जो छोटी जाति की होती मजा लेने के लिए होती है औरत, कोई इज्जत नहीं होती है क्या? छोटी जाति की महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती, ये वो सवाल है जो योगी राज में दलितों की अस्मिता को तार तार करने की गवाही देता है। ये वो सवाल है जो आपको यूपी में दलितों की दुर्गति का हाल दिखाता है, और ये वो सवाल है जो बताता है कि कैसे सत्ता सिस्टम और मनुवादियों का गठजोड़ दलितों की जिंदगी को नर्क जैसा बनाने में एडी चोटी का जोर लगा देते हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही देती हैं कि आजमगढ़ पुलिस ने किस कदर हैवानियत की है। ये बुरी तरह बिखर चुकी गृहस्थी मनुवादियों की उस नफरत को बयां करती है जो किसी दलित को आत्मसम्मान के साथ रहता हुआ देखकर उबल पड़ती है। ये तोड़ दिया गया ट्रैक्टर उस बर्बरता की निशानी है जो मनुवादियों की जहरीली सोच में बसती है। यूपी के आजमगढ़ में मुन्ना पासी और उसकी बस्ती वालों के साथ जो हुआ वो साबित करता है कि योगी राज में दलितों के साथ तमाम तरह की दरिंदगियों को अंजाम दिया जा रहा है। योगी की पुलिस पर इतने संगीन आरोप लगे हैं कि अगर गैरत नाम की कोई चीज हो तो खुद सीएम अपनी कुर्सी से उतर जाएं। यूपी पुलिस पर ऐसा कलंक लगा है कि यूपी पुलिस को खुद ही अपनी वर्दी में आग लगा लेनी चाहिए। जिस खाकी पर मजलूमों की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है वो किस कदर जातिवादी गुंडों के साथ मिलकर दलितों को रौंदने का काम करती है, ये मुन्ना पासी के घर की इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आपको पूरा मामला समझाते हैं। मामला 29 जून का है। आजमगढ़ जिले के पलिया गांव में छेड़छाड़ की घटना की जांच करने के लिए दो पुलिस वाले आए थे। आरोप है कि इन्होंने गांव के प्रधान को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद पुलिस वालों और बस्ती वालों में कुछ झड़प हो गई और गांव वालों का आरोप है कि इसके बाद पुलिस वाले जेसीबी मशीन लेकर आए और मुन्ना पासी के घर को तहस नहस कर दिया। घर की सारी चीजें तोड़ डाली गई। ट्रैक्टर को जेसीबी से कुचल दिया गया। घर में रखे गहने और पैसे लूट लिए गए। पीड़ित परिवार की एक महिला ने तो आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने ना सिर्फ उनकी अस्मत से खिलवाड़ की बल्कि ये तक कह दिया कि छोटी जाति की महिलाएं सिर्फ मजा लेने के लिए होती हैं। वो जो सीओ हमको पकड़ा सर, कह रहा था रात में तो मजा जो हमको चाह रहा था वो नहीं मिला, इसलिए हम दिन में आए हैं। हम कहे ठीक है कर लो मजा, हमको जब मारे सर मेरा चैन ले गया, मेरा ब्लाउज सर, कोई लेडीज होती तो मैं खोल के दिखा देती, यही कहेंगे कि हम बना के कर रहे हैं, आपको सबूत चाहिए तो हम अभी भी दिखाने के लिए तैयार। नहीं नहीं नहीं, बताइए ये जो छोटी जाति की होती मजा लेने के लिए होती है औरत, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है? अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? तुम वर्दी पहने हो, रात में मजा लेने के आते हो गरीब महिलाओं के साथ, एसओ जो है रात में उसका मजा नहीं पूरा हुआ, फिर दिन में आया, फिर रात में आया दूसरे दिन। इसीलिए मैं भाई ये जो हमारे सर लोग आए, हम हाथ जोड़ के निमंत्रण किए हैं कि यहाँ से मत जाइए, हम लोग सेफ नहीं है, इसीलिए ये लोग रुके हैं, इसीलिए लोग रुके हैं दो दिन से। हमको यही मांग है सर कि योगी जी आए, ये अपना जो दिए हैं उन लोग को वर्दी, उनका वो देखें कि क्या वो फायदा उठा रहे हैं। अगर नहीं आएंगे तो अपने बच्चन के लेके फांसी लगा लेंगे, इसके अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं। जब हमारे घर के हम लोग अपने घर के चौखट नहीं नाकते थे सर, हम लोग भी महारानी हैं, ये तो अफसर बोल के गया, ये मजा नहीं मिला रात में, क्या है क्या है ये इज्जत? योगी जी क्या इज्जत दे रहे हैं बेटियों को? कोई ना कहते हैं योगी मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो तुम तो निंगा कर दिए। मेरा ससुर हमको पेटी कोट में देखे, मेरे बाप को पेटी कोट में देखा, यही देखा सर। लेकिन आजमगढ़ पुलिस ने इस महिला के बयान को झूठा करार दिया है। आजमगढ़ पुलिस ने ट्विटर पर लिखा है, वीडियो में महिला द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतया असत्य व निराधार हैं। पुलिस कर्मियों एवं जनता के लोगों से मारपीट में वांछित फरार अभियुक्त गणों के परिवार की महिला है, गिरफ्तारी से बचने और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। यानी पुलिस का दावा है कि दलितों ने अपने घर खुद ही तोड़ लिए, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या कोई अपने घर को यूं तहस नहस कर सकता है जिसे उसने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया हो? क्या कोई अपने आशियाने को यूं जमींदोज कर सकता है जिसकी नींव पर ना जाने उसने कितने ही सपनों को खड़ा किया हो? क्या ये टूटा हुआ फ्रिज खुद उसके साथ हुई बर्बरता की गवाही नहीं देता? क्या इन संदूकों पर हमले के ये निशान नहीं बताते कि हमलावर कौन थे?
क्या कोई अपने उस ट्रैक्टर की ऐसी हालत कर सकता है जिससे उसने अपनी जमीन को सींचा हो। आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया है। गांव की महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं और दलित पुरुष पुलिस से बचते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने उन्हीं को मुख्य आरोपी बनाया है। राजनीतिक हलकों से भी योगी सरकार पर निशाना साधा गया है और दलितों के लिए इंसाफ की मांग की गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट में लिखा, आजमगढ़ पुलिस द्वारा पलिया गांव के पीड़ित परिवारों को न्याय देने के बजाय उन पर ही अत्याचारियों के दबाव में आकर खुद भी जुल्म ज्यादती करना व उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना अति शर्मनाक है। सरकार इस घटना का शीघ्र संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई व पीड़ितों की आर्थिक भरपाई करे। साथ ही अत्याचारियों व पुलिस द्वारा भी दलितों के उत्पीड़न की इस ताजा घटना की गंभीरता को देखते हुए बीएसपी का एक प्रतिनिधिमंडल श्री गया चरण सिंह दिनकर पूर्व एमएलए के नेतृत्व में पीड़ितों से मिलने शीघ्र ही गाँव का दौरा करेगा। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी आजमगढ़ जाने का ऐलान कर दिया है। आजाद ने पीड़ित महिला का वीडियो शेयर करते हुए बेहद सख्त लहजे में सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने लिखा, छोटी जाति की औरतें मजा लेने के लिए होती हैं। जातिवादी मानसिकता से कुंठित आजमगढ़ पुलिस की भाषा सुनिए। इन पर कार्यवाही करने के बजाय पुलिस महिला को ही दोषी बता रही है। पहले मुन्ना पासवान का घर तोड़ा और अब औरतों के साथ गाली गलौज, शर्मनाक। क्या महिला आयोग जिंदा है? हम अपनी माँ बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि रोना पार SHO सहित थाने के सभी दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर उन पर FIR दर्ज करी जाए और मुन्ना पासवान को घर तोड़ने के एवज में 5 करोड़ की क्षतिपूर्ति दी जाए। योगी राज में दलितों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ा है। चाहे सहारनपुर हिंसा हो या फिर हाथरस की बेटी को लावारिशों की तरह पेट्रोल छिड़क कर जला देना, यूपी में दलितों के साथ हैवानियत बढ़ती ही जा रही है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराध के कुल मामलों में से 25% मामले सिर्फ यूपी से हैं। 2019 में दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले यूपी में ही दर्ज हुए थे। 2019 में जातीय उत्पीड़न के कुल 11,829 मामले यूपी में ही दर्ज हुए। आंकड़े अपनी जगह, लेकिन इसकी तस्दीक हम यूपी से आने वाली जातीय हिंसा की खबरों से भी कर सकते हैं। रामराज का दावा करने वाली योगी सरकार में शंभुक और उसके खानदान के लोगों को बर्बरता के साथ मिटाया जा रहा है, उनके साथ हैवानियत की जा रही है। जातिवादियों के दिमाग में भरा जहर आत्मसम्मान से जिंदगी जीने वाले दलितों को देखकर फुफकारने लगता है। कारोबारी चंद्रभान प्रसाद का ये ट्वीट आपको ये समझाने में मदद करेगा कि मुन्ना पासी के साथ ऐसा क्यों हुआ। चंद्रभान लिखते हैं, इस मुन्ना पासी ने मनु विरोधी घर बनाया। इसके पास 4 ट्रैक्टर हैं, एक वैन, एक जीप, एक राइफल, एक बोर गन, एक ईंट की फैक्ट्री, हाल ही में लिया पेट्रोल पंप। वो काफी लोकप्रिय है। जाति के वर्चस्ववादी इनसे डरते थे। मुमकिन है इसी जातिवादी कुंठा ने मुन्ना के आत्मसम्मान को जमींदोज करने की साजिश की हो। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी अजरा परवीन, अंशु, अनुज। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।